بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته English Test Edition Grade 6 Unit 4A The Modern Olympics Vocabulary Choose the appropriate word from the given options to complete each sentence The Modern Olympics initiated by Perry D. Coburton एम टू यूनाइट नेशंस थ्रू फ्रेंडली कंपटीशन तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है टू यूनाइट नेशंस ऑप्शन ए इज करेक्ट द इनॉगरल मॉडर्न ओलंपिक्स वर हेल्ड इन एथेंस ग्रीस सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए एथेंस ग्रीस द ओलंपिक गेम्स शोकेस अ डाइवर्स रेंज ऑफ स्पोर्ट्स Athletes from all over the world participate in the Olympics to showcase their skills. Showcase is the correct option. The Olympic torch relay. The Olympic torch relay symbolizes the continuity of the Olympic spirit from one generation to the next. तो यहाँ पर correct option है A. Continuity. Homophones. Homo, same, phone sound. Same sounds wale alfaz, but different spelling and different meaning. Sound ek jaise honge, lekin spelling aur mana badal honge. Usko aise alfaz ko homophones kehte hain. Read the text from the passage The Modern Olympics and identify the use of homophones. The word peace, lafz peace, means iska matlab hai a state or period in which there is no war or a war has ended. A state ek halat or period ya ek arsa in which there is no war, jisme jang na ho. और अवार हैज एंडेड या जंग ख़त्म हो चुका हो द वर्ड पीस और यहाँ पर पीस पी आई ई सी ई पीस मीन्स अ रिटन इसका मतलब है रिटन लिखा हुआ म्यूजिकल मौसीकी और आर्टिस्टिक क्रिएशन या फनकार वाला तख्लीक आर्टिस्टिक क्रिएशन मीन तख्लीक The white background symbolizes peace and truth. So, यहाँ पर peace का मतलब है अमन. This is the piece I want to be played in the Olympics. यहाँ पर peace का मतलब है written musical और artistic creation. तो दोनों एक जैसे sounds produce करते हैं peace और peace. दोनों एक जैसे हैं. लेकिन spelling बदल है. और माना भी बदल है. तो इसको homophones कहते हैं. The word where is used to ask questions about the location, position, place. Lafz where इस्तेमाल के सवालात पूछने के लिए location जगह के बारे में. The word war or war is used. War इस्तेमाल के लिए is a plural past tense of the be form of war. इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस है स्लाइट डिफरेंस है वियर इज यूज एज एन एडवर्ब वियर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है एंड वो इट इज यूज एज अ वर्ब और वर्ब फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल होता है लेकिन ये दोनों होमोफोन्स है सेम साउंड वाले अल्फाज है अगर जी इसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है द ओलंपिक गेम्स वर कम्प्लीटली Forgotten, where can we find the original stadium? Points to know. A homophone is a word. Homophone एक लफ्ज है that has the same sound जो एक जैसी आवाज रखते हैं as another word दूसरे लफ्ज के साथ दूसरे लफ्ज जैसा but spelled differently लेकिन मुख्तलिफ लिखा जाता है इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग आल्सो
और इसका माना भी मुख्तलिफ होता है, तो इसको होमोफोन्स कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट होमोफोन्स अमोंग द कलर्स दैट रिप्रेजेंट ऑल नेशंस द कलर ऑफ द फ्लैग दैट लुक्स प्रोमिनेंट इज ब्लू। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ब्लू, बी एल यू ई। इट मोटिवेटेड पीरियडी कोबर्टन टू स्टार्ट द ओलंपिक्स अगेन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है टी ओ, टू स्टार्ट। द मॉडर्न ओलंपिक्स वर व डब्ल्यू ई आर ई वाला करेक्ट है, व ऑर्गेनाइज टू एक्नॉलेज द टैलेंट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल वियर डेट दे होल द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डब्ल्यू एच ई आर ई वियर। Have you read? Yeah, have you read? Yes, I pronounce it. Have you read the meaning of the Olympic flag? R E A D. Correct option hai. The Olympic flag is completely white with five rings at the center, such as red. Pehle mein correct option hai red. R E D. Red and blue. बी एल यू ई जो रंग है, येलो एटसेट्रा। द मॉडर्न ओलंपिक व डब्ल्यू ई आर ई इज द करेक्ट, रिवाइव्ड एन आई एन इज द करेक्ट, द लेट 19th सेंचुरी। तो यहाँ पर हमने होमोफोन्स के बारे में फिल इन द ब्लैंक्स करी। होमोग्राफ्स, होमो मीन सेम, ग्राफ मीन राइटिंग, ग्राफ मीन राइटिंग स्पेलिंग। होमोग्राफ एक जैसे स्पेलिंग वाले अल्फाज होते हैं लेकिन माना बदल होता है, डिफरेंट मीनिंग, और प्रोनंसिएशन में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। होमोग्राफ्स आर वर्ड्स, होमोग्राफ्स अल्फाज हैं, डेट आर आइडेंटिकल इन स्पेलिंग, जो स्पेलिंग में एक जैसे होते हैं। होमोग्राफ स्पेलिंग में एक जैसे होते हैं बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड ऑरिजन, लेकिन माना और असल में मुख्तलिफ होते हैं। दे स्लाइटली डिफर इन प्रोनंसिएशन टू, और तलफ़ुज में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा फ़र्क होता है तलफ़ुज में भी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर बेट, बेट क्या है? अ टाइप ऑफ स्पोर्टिंग इक्विपमेंट, एक किस्म की खेलकूद का आला है, आर एन एनिमल या एक जानवर है। तो ये एक जैसे लिखा गया है लेकिन माना और प्रोनंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस होगा। द बैट शुड बी स्वेड एक्यूरेटली टू हिट अ होम रन। तो यहाँ पर स्पोर्टिंग इक्विपमेंट, खेलकूद के सामान के तौर पर यहाँ इस्तेमाल हुआ है। द बैट इज फ्लाइंग विद स्विफ्टनेस। तो यहाँ पर बैट चमगादड़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये होमोग्राफ्स है, क्या है? होमोग्राफ। पार्ट, एन अमाउंट और सेक्शन। पार्ट एक अमाउंट, मकदार या सेक्शन, हिस्से को कहते हैं। दूसरा माना है मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से जुदा होना। पैरालंपिक्स इज पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स गेम्स। तो यहाँ पर अमाउंट या सेक्शन, हिस्से के तौर पर इस्तेमाल हुए। ओवर द ईयर सम पैरालंपिक्स है parted from sports. Parted mean juda hona, move away from each other. The following words are commonly used in sports. Using your dictionary, give two meanings of the following words and use them in sentences. To yahan par jagah ki kami ki wajah se humne jumlon mein istemal nahi kiya hai, sirf maane likhe hain. Homograph, over. Over above or higher than something else को भी कह रहे हैं, above or higher than something else, किसी चीज़ के ऊपर होना। और दूसरा माना है six consecutive balls bowled in cricket, और जिसको हम क्रिकेट में एक ओवर दो ओवर ऐसा कहते हैं, पहले ओवर में कितने रन बने।
लिफ्ट, लिफ्ट पहला माना है पास्ट टेंस ऑफ लीफ, ये लीफ का पास्ट टेंस है लीफ लिफ्ट, और दूसरा माना है अपोजिट है राइट का, लेफ्ट राइट, दाया दाई बाई। मैच, मैच क्या है, अ कंटेस्ट और गेम, ये कंटेस्ट मुकाबला या गेम है। दूसरा माना है अ स्मॉल स्टिक दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम, एक स्मॉल स्टिक जो फ्लेम शोला पैदा करती है जिसको मैच कहते हैं। डक एक परिंदा है, अ वाटर बर्ड है। दूसरा माना है अ स्कोर ऑफ जीरो इन क्रिकेट, जब क्रिकेट में एक शख्स जीरो पर आउट हो जाता है तो हम कहते हैं डक। रिंग, रिंग क्या है, अ सर्कुलर बैंड टिपिकली ऑफ मेटल, एक सर्कुलर बैंड होता है खास तौर पर मेटल से बना। दूसरा माना एन एनक्लोज्ड एरिया फॉर बॉक्सिंग, बॉक्सिंग के लिए जो अंदरूनी हिस्सा होता है, जो अंदरूनी इलाका होता है बॉक्सिंग का, उसको रिंग कहते हैं। तो ये होमोग्राफ है। यूज ऑफ लैंग्वेज, सिंपल सेंटेंसेस, अ सेंटेंस इज कॉमनली डिफाइंड एज अ कंप्लीट यूनिट ऑफ थॉट, सेंटेंस को आमतौर पर कैसे डिफाइन किया जाता है, अ कंप्लीट यूनिट, एक मुकम्मल इकाई ऑफ थॉट, ख्याल का, अ कंप्लीट यूनिट, एक मुकम्मल इकाई ऑफ थॉट, एक ख्याल का। गो, रन, लेसन्स, लेसन, प्ले, ये सब क्या है, ये सेंटेंसेस है, अगरचे ये एक लफ्ज पर मुश्तमिल है लेकिन ये इज अ सेंटेंस के तौर पर काम करते हैं। अ सिंपल सेंटेंस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस ये सबसे सादा तरीन हालत होती है एक जुमले की, दैट हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज, जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद मेन क्लॉज, जिस जो दूसरे क्लॉज पर इन्हिसार नहीं करता, इसको इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज कहते हैं, जो कंप्लीट मीनिंग देता है। इट कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग, ये एक मुकम्मल माना मुंतकिल करते हैं। द प्रीडिकेट, प्रीडिकेट का काम क्या होता है, द प्रीडिकेट खबर टेल्स अस, हमें बताती हैं अबाउट द सब्जेक्ट, फाइल के बारे में खबर देती हैं। इट ऑलवेज इंक्लूड्स द मेन वर्ब, ये हमेशा मेन वर्ब पर मुश्तमिल, प्रीडिकेट हमेशा मेन वर्ब पर मुश्तमिल होगा। द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, एक जुमले की बुनियादी हिस्से क्या है, सब्जेक्ट है, फाइल है, और वर्ब फ़ाइल है। द सब्जेक्ट इज यूजुअली अ नाउन, सब्जेक्ट आमतौर पर नाउन होता है। अ वर्ड एक लफ्ज और फेज या एक फिक्रा, डेट नेम्स अ पर्सन, जो एक शख्स प्लेस जगह और थिंग या चीज़ को नाम देता है तो उसको नाउन कहते हैं। द वर्ब और प्रीडिकेट, वर्ब या प्रीडिकेट खबर यूजुअली आमतौर पर फॉलोज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट फाइल के बाद आता है, प्रीडिकेट फाइल के बाद होता है। एंड आइडेंटिफाइज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, और ये मालूम करता है, एन एक्शन एक काम और अ स्टेट ऑफ बीइंग या मौजूदा होने की हालत। एग्जांपल है द ओलंपिक्स, द ओलंपिक्स सब्जेक्ट है, फाइल है। वर ऑर्गेनाइज्ड, वो ऑर्गेनाइज्ड, ये प्रेडिकेट है, वर्ब है। देयर आर अ वैरायटी ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस के कई अकसाम हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अ सिंपल सेंटेंस कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, एक सादा जुमले को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, टू मेक लर्निंग ईजियर, लर्निंग को आसान बनाने के लिए। These are the subject and the predicate, ये क्या है, subject फाइल है और predicate खबर, he यहाँ पर subject है। Experimented by moving the patient gently,
ये प्रिडिकेट है, खबर देता है फाइल के बारे में। ही सब्जेक्ट ने क्या काम किया? एक्सपेरिमेंटेड बाय मूविंग द पेशेंट जेंटली। सब्जेक्ट वर्ब दूसरा किस्म है, दूसरा वैरायटी है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। अ सिंपल सेंटेंस में हैव ओनली अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक सादा जुमले में सिर्फ और सिर्फ एक फाइल और एक वर्ब हो सकता है। आई प्लेड, आई सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब है। सब्जेक्ट एंड ट्रांजिटिव वर्ब दूसरा तीसरा किस्म है, द सब्जेक्ट एंड ट्रांजिटिव वर्ब। द एस इसको एस आई वी पैटर्न के लिए, एस आई वी मतलब एंड ट्रांजिटिव वर्ब। इज द सिंपलेस्ट सेंटेंस, ये सबसे सादा जुमला होता है। इट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है, एंड एंड ट्रांजिटिव वर्ब और एंड ट्रांजिटिव वर्ब पर मुश्तमिल होता है। एंड ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही जंप्ड, एंड ट्रांजिटिव वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट के बाद हम दो सवाल पूछेंगे, हु व्हाट। अगर इन दोनों का जवाब आता है तो फिर ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर इन दोनों सवालों का जवाब नहीं आता तो फिर एंड ट्रांजिटिव होता है। जैसा कि हम यहाँ पर सवाल पूछें, ही जंप्ड व्हाट आर होम, ही जंप्ड व्हाट आर होम, व्हाट आर होम का जवाब नहीं आता। व्हाट क्या, आर होम किस पर, किस चीज पर। तो ये ही जंप्ड, ही सब्जेक्ट है, जंप्ड एंड ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसके बगैर भी पूरा माना देते हैं। The athlete lessons, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो दोनों के तौर पर काम करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी और एंड ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी, वो आप आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। The athlete lessons, the athlete lessons what are home। तो यहाँ पर lesson ट्रांजिटिव भी इस्तेमाल हो सकते हैं, एंड ट्रांजिटिव भी। The athlete lessons what, तो व्हाट का जवाब आ सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ये एंड ट्रांजिटिव वर्ब। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और एंड ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते सकते हैं, ये आपने समझना है। द रिंग शाइन्स, तो यहाँ पर शाइन्स एंड ट्रांजिटिव वर्ब है। द रिंग शाइन्स व्हाट आर होम का जवाब नहीं आता। द फ्लावर ब्लॉसम्ड, द फ्लावर ब्लॉसम व्हाट आर होम का जवाब नहीं आता। तो यहाँ पर ब्लॉसम एंड ट्रांजिटिव वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्ब चौथा किस्म। अ सिंपल सेंटेंस समटाइम्स हैज अ सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस में बाज़ औकात सब्जेक्ट भी हो सकता है, अ वर्ब, एक वर्ब एंड एडवर्ब। द एथलीट्स रन, तो यहाँ पर द एथलीट सब्जेक्ट है, रन वर्ब है। पेरी डी कोबर्टन, ये सब्जेक्ट है, लेसन्स वर्ब है। तो यहां पर एडवर्ब, अब एडवर्ब का इजाफा किया गया है। नोट दैट द एक्शन वर्ब्स एंड द एग्जांपल्स रन एंड लेसन कैन स्टैंड अलोन। ये बात नोट करने के काबिल है कि एक्शन वर्ब्स फ़ेल के अफ़ाल एंड द एग्जांपल मिसालों में रन एंड लेसन में कैन स्टैंड अलोन, ये अकेली भी आ सकते हैं। रन दौड़ो, ये भी एक जुमला है। लेसन सुनो, ये भी एक खुद एक जुमला है। कैन स्टैंड अलोन अकेली भी आ सकते हैं। दे मे बी एकम्पनीड बाय इट मॉडिफायर्स टू, और इसके साथ मॉडिफायर्स भी आ सकते हैं, तो दोनों ठीक हैं। द केम रॉ बैटरी कुड हैव डाइड सडनली, तो यहाँ पर एडवर्ब है सडनली। सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब ये चौथा किस्म है जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और एडवर्ब। द केम रॉ बैटरी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है। कुड हैव डाइड वर्ब, सडनली एडवर्ब। ऑडियंस कुड लाफ एट द जोक, ऑडियंस कुड लाफ एट द जोक। यहाँ पर लाफ के बारे में ये समझिए कि ये एंड ट्रांजिटिव वर्ब है। एट द जोक, एट द जोक ये व्हाट आर होम का जवाब नहीं है। ऑडियंस कुड लाफ व्हाट आर होम, व्हाट आर होम का जवाब नहीं आता। एट द जोक ये प्रीपोजिशन, यहाँ पर एट द जोक ये एडवर्ब है।
ऑडियंस कुड लॉफ एट द जोक। तो ये फिटर हम समझ रहे हैं ऑडियंस सब्जेक्ट है, कुड लॉफ वर्ब के तौर पर, एट द जोक एडवर्ब। स्टेट बयान कर वेदर द वर्ब्स बिलो आर इंट्रांसिटिव, डिटरमिन वेदर आर नॉट दे कैन स्टैंड अलोन बाय इंसर्टिंग अ सब्जेक्ट एंड आस्किंग इफ एनी मोर इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। वाक वाक ये दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी और इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी। ही वॉक्स ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। ही वॉक्स यहाँ पर इंट्रांजिटिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। प्ले प्ले ये भी दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। ही प्लेस तो ये ऐसा भी हम कह सकते हैं, ही प्लेस वो क्रिकेट के वो खेलता है, सिंपली ही प्लेस क्रिकेट वो क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव के तौर पर है। डिपार्ट ये इंट्रांजिटिव है, डिपार्ट इंट्रांजिटिव, ही डिपार्ट्स वो जुदा होता है फ्रॉम समवन किसी शख्स से। रिस्पेक्ट ये ट्रांजिटिव है। सेलेक्ट ये भी ट्रांजिटिव है, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसके बगैर ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। स्टैंड ये दोनों ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के तौर पर इस्तेमाल, दोनों के तौर पर। गिव ये ट्रांजिटिव है। स्क्रीम शी स्क्रीम्स वो चीखती है, तो इसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिसाइड वेदर द वर्ड एंड बोर्ड इज अ सब्जेक्ट अ वर्ब और एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डिनोटेड वर्ड है, डोनेटेड वर्ब है। ड्रमर द ड्रमर यहाँ पर सब्जेक्ट है, फाइल है। द एथलीट स्मैश्ड वर्ब है यहाँ पर। क्राउड ऑब्जेक्ट है। स्टंड द क्राउड द जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट स्टंड व्हाट द क्राउड, यहाँ पर क्राउड ऑब्जेक्ट, क्राउड पर काम हुआ है। वेरी स्लोली द प्लेयर ओपन द बॉक्स, द प्लेयर हु ओपन द बॉक्स द प्लेयर, तो यहाँ पर प्लेयर सब्जेक्ट है। द पैराग्राफ बिलो इज टेकन फ्रॉम द आर्टिकल अबाउट द पैरालंपिक्स, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट, तो यहाँ पर पेरी डी कोबर्टन सब्जेक्ट है। ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कांग्रेस विच लॉन्च द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, यहाँ तक ये प्रेडिकेट है। ही सब्जेक्ट है। ऑल्सो बिकेम द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ये प्रेडिकेट है। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ये सब्जेक्ट है। वर हेल्ड इन एथेंस ग्रीस, ये प्रेडिकेट है। द ओलंपिक्स फ्लैग ये सब्जेक्ट है। इज अ सिंबल ऑफ पीस यूनिटी गुडविल एंड टॉलरेंस, यहाँ तक प्रेडिकेट है। एट सब्जेक्ट है। इज कम्प्लीटली वाइट विथ फाइव रिंग सर्कल्स इन द सेंटर, यहाँ तक प्रेडिकेट है। द वाइट बैकग्राउंड सब्जेक्ट है। सिंबलाइज पीस एंड ट्रूथ एंड द फाइव रिंग्स रिप्रेजेंट द फाइव कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ तक ये प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।